कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, ठीक है खाली हाथ आए थे, लेकिन खाली हाथ जाना नहीं है, इस देश का ऋण चुका के जाना है। हमेशा याद रखिएगा, अकल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती है। हमने इतिहास से यह सीखा है कि इतिहास से कोई कुछ नहीं सीखता। भले जेब खाली हो, जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए। जो बोले हैं, जो ठाने हैं, वो कर लेंगे यहां पर, और नहीं कर सकते हैं तो दुर्भाग्य इस भारत की धरती पर जन्म लिया हुआ। भारत में एंटरप्रेन्योर इतने बड़े संख्या में आ रहे हैं, और काफी खुशी हुई इस चीज को देखकर कि भारत चेंजिंग की ओर जा रहा है अपने ओर। हमेशा सीखने की प्रवृत्ति रखिएगा। और आज के टाइम पे बाप रे, एक बहुत बड़ी समस्या ना कि दूसरे से प्रति जलन जतुआई, जतुआई समझते हैं हम लोग, बिहार का ठेठ भाषा है, पता नहीं आप लोग समझते हैं कि नहीं जाए। मतलब कौन कितना खुश है, मतलब उसका पड़ोसी जितना दुखी है उतना खुश है। ये सब चीजों से थोड़ा आज के समय में अपने आप को थोड़ा बचा के रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि किसी के जलन वगैरह से नहीं होता। अक्सर देखिएगा ना, क्योंकि ये एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस का चीज है, तो एक छोटा सा देखिएगा ना, गांव में किसी के पास समोसा का दुकान चल जाता है तो उसके बगल में एक और समोसे खोल देता है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आप डिसीजन आप कभी भी किसी और के मर्जी से इन्फ्लुएंस होकर लीजिएगा, वो कभी डिसीजन सही नहीं होगा। डिसीजन आपका अपना होना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं। और ये जिस दिन आप पहचान गए, उस दिन समझिए आधा काम आप अपने से कर दिए यहाँ पर। और वो सबके अंदर कुछ ना कुछ है, ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला आपको खाली हाथ भेजा, सबके अंदर कुछ ना कुछ है। और ये लोग भले कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, ठीक है खाली हाथ आए थे, लेकिन खाली हाथ जाना नहीं है, इस देश का ऋण चुका के जाना है, समाज को कुछ दे के जाना है, एक अच्छे सिद्धांत अच्छे कर्म को दे के जाना है। क्या कोई कह सकता है कि अब्दुल कलाम खाली हाथ गए थे? नहीं खाली हाथ गए थे। विवेकानंद खाली हाथ गए थे? अंबेडकर साहब खाली हाथ गए? नहीं गए। तो इस देश में हम खाली हाथ जरूर आए थे, लेकिन इस देश का कर्ज उतारना है, खाली हाथ लौटना नहीं है। कुछ ऐसे सिद्धांत अपने साथ है, कुछ अपने पीछे कुछ यादें छोड़ के जाना है, जिससे कि दुनिया याद कर सके हम लोग को। और हमेशा चीजों में ना अपनी ईमानदारी करिएगा। आप कितना ईमानदारी से काम करते हैं, कितना लगन से काम करते हैं, सफलता इसी चीज पे डिपेंड करती है। बाकी ऐसे चीजें कि भाई ये करना चाहिए, बस आप कितना समय दिए हैं किसी चीज को, कितनी ईमानदारी से किए हैं, ये मायने रखता है। आप किसी चीज को समय नहीं दीजिएगा, कभी सफल नहीं हो सकते हैं। और एंटरप्रेन्योर और बिजनेस ये सब की चीजों में एक चीज बहुत बड़ी डिलेमा होती है ना, कि सोचते बड़ी ज्यादा हैं लोग, प्लानिंग बहुत करते हैं। 6 महीना से उसका प्लानिंग चल रहा है। अरे भाई 6 महीना में कमवा शुरू किए रहते तो कुछ एक्सपीरियंस हो गया रहता, कुछ ठोकरें लगी होती, शुरू कर दो जाए जैसे करना है। यहाँ पर ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एकदम फिनिश होकर काम करे। हर चीज, जमीन से कभी पेड़ नहीं निकल सकता, पौधा ही निकलेगा। आज सीखिए, क्योंकि अगर कल कोई शुरू करता है आपके बाद, तो आपके पास उसे एक दिन का एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस रहेगा। और हमेशा याद रखिएगा, अकल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती है। जितना ज्यादा आप ठोकर खाएंगे, उतने ज्यादा अकल आने वाली है। दुनिया का कोई इंसान जो सफल है कह दे कि हमको ठोकर नहीं लगा है, या कोई कह दे कि हम एक ही बार में आए हैं, कभी नहीं आ सकते यहाँ पर। स्टार्टिंग कीजिए यहाँ पे, ज्यादा प्लानिंग व्लानिंग के चक्कर में नहीं, कितनों अच्छा प्लानिंग करके आइएगा ना कुछ चीजें गड़बड़ होंगी, क्योंकि किताबी नॉलेज, ये मोटिवेशन, ये सब चीजें, ये एक अलग चीज है। धरातल पे उतर के जाइएगा ना तो अलग चीज है यहाँ पर। कभी बिहार में आके दिखेगा तो एकदम में अलग मिलेगा। कितना ठोकर लगा है ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि ठोकर नहीं लगेगा ना, जिस पत्थर पे चोट नहीं पड़ती वो कभी मूरत नहीं बनता है। तो इसलिए जितना आपको चोट लग रहा है तो ये आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों की जिंदगी में मुसीबत आती है, वो मुसीबत ही आती है बड़े जिन लोगों के लिए, क्योंकि फिल्म में जो सबसे टफ रोल होता है ना, वो बढ़िया हीरो के कंधे पे दिया जाता है। तो ये पृथ्वी पे भी ना ऊपर वाले को पता है कि ये बढ़िया हीरो है, इसको थोड़ा सा हम रोल देते हैं बढ़िया। तो बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले ऊपर वाला भी ना आपको टेस्ट करता है, टेस्ट करके ही देखेगा कि नहीं करेगा। हम लोग छोटा सा कोई सामान खरीदते हैं तो उसको ठोक बजा के चेक करते हैं कि सहलेगा कि नहीं सहलेगा। एक छोटा सा बर्तन कोई खरीदने जाता है तो पटक के दिखाता है, देखिए मजबूत है। तो ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्ट में भाग जाते हैं, भगवान हमारा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। यार जब ऊपर वाला तुमको खुशी दिया था तो थैंक यू कहना भूल गए थे, और जब मुसीबत दिया चेक करने के लिए तो परेशान हो गए। यहाँ पर चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं।
क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। और अभी डिजिटल इंडिया आ गया, सबके हाथ में मोबाइल हो गया है। एक चीज अगर आप बहुत आगे बढ़ेंगे ना, तो एक प्रॉब्लम फेस करेंगे, बिना मतलब लोग आपके ऊपर उंगलियां उठाने लगेंगे, बिना मतलब, जिनको कोई मतलब नहीं है। आप देखिएगा तो मतलब अजीब लगेगा। इस सब चीजों से कभी मत घबराइएगा, ये कॉस्ट होगी, आपको चुकानी पड़ेगी जब आप बहुत आगे जाएंगे। तो आप लोग बहुत आगे जाएंगे तो पहले से माइंड मेकअप करके रखिएगा, कुछ लोग होंगे जो बिना मतलब आपसे सवाल पूछेंगे, इन लोग को कभी इंटरटेन मत कीजिएगा। क्योंकि अब भाषा थोड़ी हार्ड हो जाएगी, लेकिन एक हार्ड हो जाएगा तो हो जाएगा, बस भाषा भाव को समझिएगा, भाषा का नहीं। कि कुत्तों की रेस में दौड़ने से घाटा यह है कि जीतने के बाद भी कुत्ता ही कहलाएगा आदमी। एक बार एक रेस में ना कुछ कुत्तों को दौड़ाया गया, बीच में शेर बांधा गया कि कौन तेज दौड़ता है। शेर दौड़ा ही नहीं, कहा कि जीत के भी क्या फायदा, जीतने के बाद वो कुत्ता कहलाएगा। समझा? तो जब आप आगे बढ़ेंगे ना, ये कॉस्ट है, समझिएगा इस चीज को। पहले ये कम था, क्योंकि पहले लोगों के पास में हाथ मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं था, मतलब कानाफूसी में रह जाता था, लेकिन अब ये बहुत बड़े पैमाने पे हो गया। तो ये सब चीजों से बचिएगा, और ये आएगा आपके साथ में लाइफ में ये चीजें। जैसे हम आपको एक छोटा सा मतलब व्यवहारिक चीज पे बताते हैं, जब बहुत आगे जाएंगे ना तो कुछ कहेंगे अरे इसका प्रोडक्ट खराब है, इसका ये, मतलब कुछ ना कुछ बोलेंगे। उसको बस ऐसे समझिएगा कि जब आप बढ़ते हैं तो आपके चेहरे पे कभी कभी कुछ दाने निकल जाते हैं, उसको छेड़ा नहीं जाता है, 10 दिन 15 दिन बाद वो खत्म हो जाता है। फिर दिखता तो है तो आपका चेहरा ही दिखता है। आज ज्यादा खखोरेंगे ना तो उधर बर्बाद कर देगा आपको। हम निकला है छोड़ दीजिएगा उसको, एक समय आएगा जब आप ही जाने जाएंगे। यहाँ लोग किस चीज में नहीं उंगलियां उठा देते हैं, भगवान को उंगलियां उठा दिए लोग, अग्नि परीक्षा भगवान को देना पड़ा, हम लोग की क्या औकात है जी यहाँ पर। इसलिए इस सब चक्कर में नहीं पड़िएगा, आप जो है वो एकदम परफेक्ट है, चाहे जैसे भी हो। गलतियां सबसे होंगी, जो गलती करिएगा उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, हाँ हमारे पास ऐसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम से हम सुधारेंगे, बट कोशिश कीजिएगा गलतियां ना हो। लेकिन सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा, आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं आप। और काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं, उस लेवल पे जाइए आपको, यार ये कैसे आगे निकल गया। आप आएंगी चीजों को, हम लोग भी फेस किए हैं, आप लोग भी फेस करना होंगे। आप शुरुआत में सबको कॉस्ट चुकानी पड़ती है, और ना लोग कहते हैं कि सबके अंदर कोई यूनिक क्वालिटी होती है, इसको पहचानने का एक तरीका होता है। जब आप मुसीबत में फंसेंगे ना तो वही काम कीजिएगा जो आपको सबसे अच्छा आता है, सबसे अच्छा आता है, आप मुसीबत में फंसेंगे। हम लोग जब इंटर पास किए थे तो हम लोग के सामने भी फाइनल क्राइसिस आया था, सबसे पहले वेल्डिंग मारना चालू किया था, बिना किसी काम का किसी दुकान पर बैठ के वेल्डिंग मारते रहो। अरे सही भी मारते थे तो चार को चीज सुना देता था, ऐसे नहीं ऐसे होता है, क्या बात करते हैं, बढ़िया मारते थे और वही सुन लेता था आदमी। फिर धीरे धीरे किसी को पढ़ाना धीरे धीरे चालू किया आदमी, कुछ दोस्तों ने कहा कि भाई तुम पढ़ाओ, ठीक पढ़ाता है, तो आदमी उधर चला गया। तो आपको भी पता है कि आप किस चीज में अच्छे हैं, तो धीरे धीरे अपने आपके अंदर वो पहचानी है, उसको सुधारने की कोशिश कीजिए, और इधर उधर ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए। मुसीबत आए तो अपने आप को एक बार थपथपाइएगा कि हाँ आप उस इलीट क्लास में हैं जिसके सामने मुसीबत आई है, और एक समय आएगा कि जब आप इस मुसीबत को पार कर जाएंगे, और एक समय आएगा कि जब यहाँ आके आप अभी अपने संघर्ष की कहानी बताएंगे कि हम भी ऐसा थे। और हम आप सबसे यही उम्मीद करते हैं कि भगवान से भी हाथ जोड़ के यही दुआ मांगते हैं कि जितने लोग हैं देश के, सबको एक दिन अपनी कहानी सुनानी पड़े, क्योंकि यह देश वीरों की धरती है, वीरांगनाओं की धरती है, यहाँ पर हर बच्चा यहाँ का फौलाद है अपने आप में यहाँ पर। तो ये वक्त है अब ऋण चुकाने का, अब इस सदी में हमें अपना नहीं, अब इस देश का भी एक ऋण चुकाना होगा कि शायद पिछले जन्म में बहुत सौभाग्य बहुत अच्छा काम किए होंगे तो हिंदुस्तान में जन्म लिए, वरना अगर जन्म के समय थोड़ा बहुत बॉर्डर क्रॉस करते ना उधरिया हो जाते ना। अरे बाप रे बाप, अरे क्या दुर्दशा होता जिसका कोई हद नहीं यहाँ पे, थोड़ा सा बस उधर घसक जाते तो। लेकिन ये हम लोग का सौभाग्य, एक चीज हम लोगों ने गलती किया के बाद, हमने महिलाओं के पावर को ना अंडर एस्टिमेट कर दिया। हम लोग 1947 से जो पुरुष समाज है ये सोच रहा है कि देश को आगे ले जाने के लिए, अभी तक सोचिए रहा है, ये हम लोगों से गलतियां हुई है। और लड़कियों को हमने जो साथ छोड़ दिया महिलाओं का ना, बस यकीन मानिए जिस दिन भारत देश की महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला ली, 10 साल में देश की सूरत बदल जाएगी, दुनिया देखते रह जाएगी यहाँ पर। हम इस चीज को ज्यादा समझ सकते हैं क्योंकि हमारी खुद की बहन नहीं, अपनी बहन नहीं, लेकिन अभी भी हम अपना घर देखते हैं ना तो लगता है कि बहुत बड़ी कमी है। और अगर बहन रहती तो चीजों को अच्छे से समेट के रख सकती थी। अब तो इसलिए हम देखेंगे हमको इंडिया में सबसे ज्यादा राखी बांधी जाती है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा राखी बांधी जाती है। नहीं था तो हमारे यहाँ माझी जी थे ना, वो कहे कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तेरे भरोसे बैठा लो। तो बहन नहीं थी तो क्या दिक्कत है, दुनिया में सबसे ज्यादा राखी बांधी गई। अब मतलब आप सोचते हैं कि अगली बार, अभी इस बार 7,500 राखी बांधी गई थी, 7,500 हर साल रक्षाबंधन के बाद
पहले ही रक्षाबंधन से पहले हमको एक डॉक्टर अपॉइंट करके रखना पड़ता है कि सर मेरा ना ब्लड रुक जाएगा, इतना राखी बांधी जाती है। तो आप एकदम ना स्टैंड बाई पे रेडी रहिएगा वहां पे। अरे इतना राखी बांधने के बाद एक आदमी आता है मेरा हाथ उठाने वाला, वो हाथ लेके चलता है, हम ऐसे चलते रहते हैं। तो खुश नसीब है वो लोग जिनके घर में बहने हैं, जिनकी बेटियां हैं। आप उसकी कदर नहीं कर सकते हैं तो यकीन मानिए इसका बदला भगवान जरूर लेता है। आजकल लोग देखते हैं कि लोग बहू की कदर नहीं करते। अरे वो आपकी बेटी है, चेहरा बदल के वापस भगवान ने भेजा है आपको, नहीं कर सकते कदर ना। तो आपने भगवान की उस नेमत को ठुकरा दिया है, अब फिर घर में मुसीबत आएगा तो कहेंगे कि पता नहीं क्या हो गया। चाहे चांद पे पहुंच जाइए, चाहे जितना भी आगे चल जाइए, अपनी सभ्यता संस्कृति को मत भूलिएगा वरना मिट जाइएगा आप यहां से। यूनान मिस्र रोमा सब लुट गए जहां से, लेकिन मगर बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। भारत को मिटाने की कोशिश की गई, मिटा कभी नहीं। इसलिए याद रखिएगा अपनी संस्कृति को नहीं भूलना है, और हमसे गौरवपूर्ण संस्कृति पूरे भारत पूरे विश्व में किसकी है यहाँ पर। तो ये चीजों को थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रखना है और आपस में मिलजुल के एक देश वाली भावना लेके चलना है कि हम सबको मिलकर देश को अपना उस पुराना जो गौरव मिला था उसको वापस लौटाना है। और आप लोग आगे बढ़ेंगे, युवाओं में है आप, जिधर युवा चलते हैं उधर ही सब कुछ चल देता है यहाँ पर। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आप युवा लोग हैं, आपको किसी कौन रोक सकता है यहाँ पे। मैं दरिया हूँ, अपना हुनर जानता हूँ, जिधर से भी गुजरूंगा अपना रास्ता बना लूंगा।